शिवसेना अपने वजूद को बचाने की आखिरी लड़ाई लड़ने में जुट गई है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने सिंधु दुर्ग की रैली में दावा किया कि एकनाथ शिंदे की सरकार गिर जाएगी। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर महाराष्ट्र को 5 हिस्सों में बांटने की साजिश का भी आरोप लगाया। मुंबई आणि ठाणे हे त्यांनी मुद्दामून नावं घेतली। निवडणूक येत आहे, हिंदूंची जी एकजूट झालेली आहे, तिकडच्या नागरिकांची जी एकजूट झालेली आहे, शिवसेनेच्या मागे जे उभे आहेत खंबीरपणे, सगळे नागरिक म्हणून या राज्याचे उभे आहेत। कुठेही भांडण नाही, कुठच्या भाषा प्रांतामध्ये, कुठच्याही धर्मामध्ये भांडण नाही लागलं। गेल्या 2.5 वर्षामध्ये उद्धव साहेब हे प्रत्येकाचे मुख्यमंत्री म्हणून काम करत होते, कार्यरत होते, प्रत्येकाला वाटत होता की हा माझा कुटुंब प्रमुख आहे। कुठेही वाद निर्माण झाला नाही, दंगल झाली नाही, कुठेही काही चुकीचं झालं नाही, पण तेच महाराष्ट्रात चांगलं चाललेलं होतं। म्हणून ही अशी लोक आपले राज्यपाल महोदयांपासून ही जी काही मंडळी आहे ना, जी आपल्या महाराष्ट्राला खाली पाडू इच्छिते, महाराष्ट्राला फोडू इच्छिते, महाराष्ट्राचे 5 तुकडे करू इच्छिते, ही मंडळी आपल्या मध्ये वाद निर्माण सुरू करायला लागली। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि देश महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से जूझ रहा है, लेकिन बीजेपी विपक्षी दलों की चुनी हुई सरकारें गिराने में जुटी हुई है। उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भी उनके बयान के लिए आलोचना की। आदित्य ने कहा कि कोश्यारी ने ठाणे और मुंबई का नाम वहां होने वाले चुनाव के मद्देनजर जानबूझ कर लिया। राज्यपाल कोश्यारी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा था कि अगर राजस्थानी और गुजरातियों को मुंबई और ठाणे से हटा दिया जाए तो यहां पैसा नहीं बचेगा। लोगों से कहता हूं महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहां से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहां कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। कभी कभी मैं यहां लोगों से कहता हूं महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहां से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो। हालांकि बाद में राज्यपाल कोश्यारी ने अपने बयान पर माफी मांग ली थी, लेकिन इस बयान ने शिवसेना को मराठी मानुस का मुद्दा उठाने का मौका दे दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार गिराने की सियासत के पीछे एक बड़ी वजह बीएमसी का चुनाव भी है, क्योंकि बीएमसी का कुल बजट राज्य के बजट का करीब करीब आधा है। इसीलिए शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने पूरे राज्य में बीजेपी और बागी एकनाथ शिंदे के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है। संजय राउत की गिरफ्तारी के विरोध में शिवसेना जगह जगह विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रही है। शिवसेना नेता चंद्रकांत खैरे ने तो एकदम आगे बढ़कर ऐलान कर दिया है कि जो बागी नेताओं को गांव में घुसने नहीं देगा, उनके वाहन तोड़ेगा, उसे खुद उद्धव ठाकरे सम्मानित करेंगे। लेकिन असली दिक्कत महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर आ रही है। बताया जा रहा है कि बागियों और बीजेपी के बीच मंत्री पद के बराबर बंटवारे का फॉर्मूला बन गया है, लेकिन खतरा ये है कि मंत्री नहीं बनाए जाने वाले बागी सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। दूसरी तरफ विधायकों की संख्या के अनुपात में मंत्री पद न मिलने पर बीजेपी में भी असंतोष बढ़ सकता है। ऐसे में शिंदे भी शिवसेना पर निर्णायक हमले की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने मुंह खोल दिया तो भूचाल आ जाएगा। परंतु काही लोकांना ते रुचलं नाही, काही लोकांना पटलं नाही, कारण धर्मवीरांचं जे कार्य आहे हे आम्ही फक्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचंच काम केलं, दुसरं काही केलं नाही। मी आज जाहीरपणे काही गोष्टी बोलणार नाही, परंतु योग्य वेळी जेव्हा बोलेन किंबहुना आता ज्या मुलाखतींचा सपाटा सुरू आहे, ज्या दिवशी मी बोलेन, ज्या दिवशी माझी मुलाखत होईल, त्या दिवशी या राज्यात नाही देशामध्ये मोठा भूकंप झाल्याशिवाय राहणार नाही। शिंदे अपने गुट को ही शिवसेना का संसदीय दल का दर्जा दिलाने की तैयारी में हैं। वहीं चुनाव आयोग में भी शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान पर कब्जे को लेकर कानूनी घमासान छिड़ चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ऐलानिया तौर पर कह दिया है कि देश में सिर्फ एक ही पार्टी बचेगी, बीजेपी, और क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। कार्यालय का उपयोग स्ट्रेटजी बनाने के लिए करना चाहिए, तैयारी करने के लिए करना चाहिए। हम एक ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर हम खड़े हैं। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, देखो अगर ये विचार नहीं होता ना तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे,
और सब लोग मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे, रहेगा तो फिर बीजेपी रहेगी। बहरहाल महाराष्ट्र की सियासत फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी के बड़बोले नेताओं के बयानों ने उद्धव ठाकरे को अपनी जमीन मजबूत करने का मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।